भाई ये विपक्ष का दिमाग हिल गया है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? सारी दुनिया को पता है कि भाजपा के पास खुद के 301 सांसद हैं, सरकार कभी गिर नहीं सकती, फिर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। यही तो राजनीति है, विपक्ष को भी पता है कि वो सरकार नहीं गिरा सकते। तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों? देख, रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्ष अभी किसी भी हालत में चर्चा में बने रहना चाहता है। मणिपुर मामले में विपक्ष सरकार को हर तरफ से घेरना चाहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दे, लेकिन सरकार ने कहा है कि यह देश का मुद्दा है, तो गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर बयान देंगे। लेकिन विपक्ष तो प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ही मणिपुर के मामले में सुनना चाहती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है, और कुल मिलाकर सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष जानता है कि अभी पूरी एनडीए का सिर्फ एक चेहरा है और वो है पीएम मोदी का। इसलिए विपक्ष लगी हुई है कि प्रधानमंत्री कोई तो ऐसा बयान दे जिससे उनकी हवा नॉर्थ ईस्ट में तो कम हो। ऐसे में भाजपा भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी इस तरह की विवादों में फंसे, इसलिए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया के सामने मणिपुर कांड की निंदा की और सख्त कार्रवाई की बात भी कही। ये सब तूने खुद एनालाइज किया है या विपक्षी नेताओं ने ऐसे बयान दिए? एनालाइज भी किया है और विपक्षी नेताओं ने ये बात कही भी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन ये विफल रहे। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव ही सही है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सत्र शुरू होने के बाद से ही सभी विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे तो देश के लोगों के बीच शांति होगी, इसलिए हमने प्रयास की और इसीलिए आज ये प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे उनकी छवि खराब हो। उन्होंने तो 5 साल पहले ही कह दिया था कि 2023 में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। अच्छा हाँ, मैंने भी देखा है। अच्छा ये बता कि ये अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है? अविश्वास प्रस्ताव संविधान में नहीं है, इसे नियम 198 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए करीब 50 सांसदों की जरूरत होती है। अगस्त 1963 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ जीबी कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए। तब भारत चीन से युद्ध हार चुका था। इस पर 4 दिन में 40 सांसदों ने कुल 21 घंटे बहस की। प्रस्ताव विपक्ष के 62 के मुकाबले सरकार के 347 मतों से पराजित हुआ। हालांकि खुद नेहरू ने कहा कि प्रस्ताव पर बहस कई मायनों में रोचक रही और फायदेमंद। मैं इस प्रस्ताव और बहस का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि समय समय पर ऐसे परीक्षण होते रहे तो अच्छा हो। इसके बाद वर्ष 1964 से 1975 के बीच 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इनमें से 3 नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ और 15 इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थे। ज्योतिर्मय बसु ने नवंबर 1973 से मई 1975 के बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो एक रिकॉर्ड है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बुधवार को सहमति मिली। भारतीय संसद के इतिहास में यह 28वां मौका होगा जब कोई सरकार इस प्रस्ताव का सामना करेगी। हालांकि ज्यादातर अविश्वास प्रस्ताव से कोई सरकार नहीं गिरी, पर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और सिर्फ 1 वोट के चलते उनकी सरकार गिर गई थी। इसके अलावा देवगौड़ा सरकार भी बहुमत साबित न कर पाने की वजह से गिर गई थी। अब तक आए अविश्वास प्रस्तावों में से सबसे ज्यादा 15 प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने सभी को पराजित किया। इसके बाद सबसे ज्यादा 3-3 बार लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिंह राव के खिलाफ प्रस्ताव। ताजा प्रस्ताव को गिने तो मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 2-2 प्रस्ताव हुए। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1-1 बार ये प्रस्ताव लाया गया था। इन्हें लेकर संसद के इतिहास व भारतीय राजनीति की कई रोचक बातें भी जुड़ी हैं। वाह यार, बढ़िया है ये तो। हाँ ये तो बढ़िया है। अब जरा तू भी विश्वास मत से ये वीडियो को शेयर कर
लाइक कर और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करवा।